हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं GDS टू पोस्टमैन मेल गार्ड, हमारा जो केरला सर्कल का 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं, हम सभी को सॉल्व करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स और जीके भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमसे MCQ फॉर्मेट भी इसका ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं GDS टू पोस्टमैन मेल गार्ड केरला सर्कल 2020। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉसिबल फॉर दी वर्किंग आवर्स ऑफ अ नाइट पोस्ट ऑफिसेज। तो रात्रि डाकघर में जो काम के घंटों के लिए अधिकतम विस्तार है वो कब तक हो सकता है, यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस की मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कब तक हो सकते हैं, 8:30 PM तक। एन आर्टिकल कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय द एड्रेसी इफ द एड्रेसी ओपन्स द कवर इफ द एड्रेसी रिसीव्स इट ओपन्ड। तो एक प्राप्तकर्ता कब एक आर्टिकल को लेने से इनकार नहीं कर सकता है, यदि वो आर्टिकल का कवर खुद खोलता है। बट अगर उसको आर्टिकल का कवर पहले से ही खुला हुआ प्राप्त होता है तो वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास द ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास दी सर्विस अवेलेबल इन अ पोस्ट ऑफिस इंक्लूड्स। तो डाकघर में उपलब्ध सेवाओं में शामिल है पोस्ट बॉक्स भी है, पोस्ट बैग भी है, पोस्ट असिस्टेंट भी है, तो ऑल ऑफ द अबव। वन अमंग दी बिलो कैन नॉट बी सेंट बाई पोस्ट। तो किसको हम डाक द्वारा नहीं भेज सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड को भी भेज सकते हैं, करेंसी नोट को भी भेज सकते हैं, बट जो फायर आर्म्स होते हैं उनको हम नहीं भेज सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आर्टिकल कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाई द एड्रेसी। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक आर्टिकल है उसको एड्रेसी के द्वारा कब मना नहीं किया जा सकता है। इफ़ द एड्रेसी ओपन्स द कवर, अगर जो एड्रेसी है प्राप्त करता है वो कवर को खोलता है। इफ़ द एड्रेसी रिसीव्स इट ओपन्ड, यदि वो आर्टिकल को पहले ही खुली स्थिति में प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगी, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि अगर आर्टिकल को एड्रेसी के द्वारा खुद खोला गया है तो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है, बट अगर उसको पहले से ही वो खुली स्थिति में प्राप्त होता है तो वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। दी सर्विस अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस इंक्लूड, तो डाकघर में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, हमारे पास पोस्ट बॉक्स की भी है, पोस्ट बैग की भी है, पोस्ट असिस्टेंट की भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास वन अमंग दी बिलो कैन नॉट बी सेंट बाई पोस्ट, निम्न में से किसे एक डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। तो हम किसे नहीं भेज सकते हैं, तो जो हमारी फायर आर्म्स होती हैं हम इनको नहीं भेज सकते हैं बाई पोस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है हमारे पास, इसकी जो सही ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज द सेपरेट पोस्टल सर्कल। बिल्कुल गलत बात है, जो हमारा लक्षद्वीप है ये एक सेपरेट पोस्टल सर्कल है नहीं, ये केरला के साथ आता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज ए पार्ट ऑफ तमिलनाडु सर्कल। और जो हमारा यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी है ये तमिलनाडु सर्कल का पार्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगी, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड ओनली टू, जो पंजीकृत वस्तुएं होती हैं केवल किसको दी जाती हैं, द एड्रेसी ओनली, ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द एड्रेसी, तो दोनों को ही दी जा सकती है, बोथ ऑफ द अबव। पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड कैन बी गिवन टू, पहचान जो डाकघर पहचान पत्र होता है वो किसे दिया जा सकता है, तो वो टूरिस्ट जो होते हैं या फिर ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको दिया जा सकता है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टल स्टैम्प्स इज कैटेगराइज्ड एज एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर IPC सेक्शन 263A। जो हमारे पास फर्जी डाक टिकटें हैं उनका निर्माण या उपयोग IPC के तहत दंडनीय अपराध है, और कौन से सेक्शन के, 263A सेक्शन के। ए लेटर शुड नॉट वेट मोर देन, एक जो लेटर होता है पत्र होता है उसका वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, 2000 ग्राम या 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें पहले स्टेटमेंट पढ़नी है उसके बाद हमें करेक्ट आंसर बताना है। नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड अनलेस इट बियर्स ए डेफिनेट एड्रेस। बिल्कुल सही बात है, कोई भी आर्टिकल तब तक डिलीवर नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर कोई डेफिनेट पता ना लिखाओ, जब तक कोई निश्चित पता ना लिखाओ। आर्टिकल विद ए फिक्टिशियस नेम इज रिगार्डेड एज नोट बेयरिंग ए डेफिनेट एड्रेस। और अगर किसी आर्टिकल के ऊपर फिक्टिशियस नेम यानी कि नकली नाम लिखा हुआ या काल्पनिक नाम लिखा हुआ है तो इसको डेफिनेट एड्रेस नहीं माना जाएगा, निश्चित पता नहीं माना जाएगा। तो यहां पे दोनों ही हमारे पास सही है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यहां पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेशनरी विच पोस्ट ऑफिस इशू इंक्लूड्स। तो डाकघर जो स्टेशनरी जारी करते हैं उनमें शामिल है एनवेल्प, पोस्ट कार्ड्स, इनलाइन लेटर कार्ड्स, तो ये सभी चीज़ें डाकघर के द्वारा ही इशू की जाती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंडीशंस ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है उसके लिए क्या शर्तें हैं,
दैट इट इज पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर एट इंटरवल्स नॉट मोर देन 31 डेज, यानी कि ये 31 दिन के अंतराल के भीतर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए। इट हैज अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, और इसमें जो ग्राहक होते हैं उनकी एक बोनाफाइड लिस्ट होती है, एक प्रमाणित सूची होती है। तो दोनों ही करेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है सही आ जाएगी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कस्टम ड्यूटी ऑन अ पोस्टल आर्टिकल कैन बी पेड थ्रू, तो अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी है तो वो कैसे दी जा सकती है, तो कैश या चेक दोनों तरह से दी जा सकती है, बोथ एंड बी। अकॉर्डिंग टू POSV रूल 1959 हु कैन ओपन एन अकाउंट, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कौन खोल सकता है, तो हमारे पास ये सिंगल अडल्ट भी खोल सकता है, टू अडल्ट ज्वाइंटली भी खोल सकते हैं, उसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी बोथ दी अबव ऑल दी अबव, और इसके साथ साथ एक माइनर भी खोल सकता है और अगर वो 10 साल से ऊपर है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बार स्टार्टेड ऑन, तो जो हमारी PLI है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 February 1884 को, यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारी सही हो जाएगी। द चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी, तो विंडो डिलीवरी के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, नन यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी आंसर, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लेटर्स पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर कार्ड्स आर फर्स्ट क्लास मेल, तो जो हमारे लेटर्स होते हैं पोस्ट कार्ड्स होते हैं या लेटर कार्ड्स होते हैं ये फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स में आते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज अ सेकेंड क्लास मेल, तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है वो सेकेंड क्लास मेल में आता है, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है। हमारे पास फर्स्ट श्रेणी की जो डाक होती है उसमें कौन कौन से आते हैं, लेटर्स इन लेटर कार्ड्स और पोस्ट कार्ड्स, और हमारा जो ब्लाइंड लिटरेचर है ये आएगा सेकेंड मेल में। विलेज पोस्टमैन कैन, तो एक जो विलेज पोस्टमैन होता है कैन कैरी कैश इन प्रेस्क्राइब लिमिट, कैरी ए स्मॉल स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, तो एक गांव का जो डाकिया होता है वो क्या करता है, निर्धारित सीमा में नकद ले जाता है, दूसरा हमारे पास की टिकटों और स्टेशनरी का एक छोटा सा स्टॉक ले जाता है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर उसको कोई मनी ऑर्डर पे करना है तो वो स्मॉल जो हमारे पास लिमिट हो मैं एक क्या ले जा सकता है, कैश ले जा सकता है, उसके बाद एक स्मॉल स्टॉक रहता है उसके पास स्टैम्प्स और स्टेशनरी का, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। चूज दी ओड बन विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें जो पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज है कौन सी गलत दी हुई है। तो 26th को क्या होता है, हमारे पास रिपब्लिक डे होता है, जो हमारे पास 26th January हो गई। उसके बाद 14th November को क्या होता है, हमारे पास चिल्ड्रंस डे, तो ये गलत है। हमारे पास 15 August को इंडिपेंडेंस डे और 2 October को क्या आता है, गांधी जयंती, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 14th November को चिल्ड्रन डे। द मैक्सिमम अमाउंट ए पर्सन कैन डिपॉजिट इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट, तो एक व्यक्ति अपने बचत खाते में एक वर्ष में कितनी अधिकतम राशि जमा कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे नो लिमिट आ जाएगा। कंसिडर दी फॉलोइंग अबाउट ट्रांजिट ऑफिस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे हमें ट्रांजिट ऑफिस के बारे में पहले लाइन्स पढ़नी है, देन उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन बतानी है। इट रिसीव्स एंड सोर्ट्स बैग बाई ओपनिंग दैम, ये क्या करता है कि बैगों को खोलता है और उनके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनकी छंटाई करता है। उसके बाद दी बैग्स विच आर ओपनड एंड फॉरवर्डेड आर कॉल्ड फॉरवर्ड बैग्स, और जो भी बैग्स खोले जाते हैं और भेजे जाते हैं उनको फॉरवर्ड बैग्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ना ही पहली बात सही है और ना ही सेकंड, ओनली जो बैग्स बिना खोले हुए आगे भेजे जाते हैं उनको फॉरवर्ड बैग्स कहा जाता है, और हमारा जो ट्रांजिट ऑफिस होता है ये क्या करता है, वो बंद थैलों को प्राप्त करता है, ना कि उनके अंदर की चीज़ों को खोल के उनकी छंटाई करता है। दी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक रूल्स इनेक्टेड एंड केम इन टू फोर्स इन द ईयर, डाकघर बचत बैंक नियम अधिनियम हुए हैं और कब लागू हुए हैं ये, तो हमारे पास ये लागू हुए हैं 1965 में, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। ए जर्नी परफॉर्म्ड बाय ए सेट ऑफ सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू द अदर एंड इज कॉल्ड बीट, के एक शोर से दूसरे शोर तक ड्यूटी पर यात्रा करने वाले सेक्शन के एक सेट द्वारा की गई यात्रा को क्या कहा जाता है, ट्रिप कहा जाता है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कैन बी ओपन्ड बाई सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स ऑफ एज बिटवीन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बचत बैंक खाता धारकों द्वारा खोला जा सकता है जिनकी आयु किसके बीच होनी चाहिए, 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। कंसिडर दी फॉलोइंग रिगार्डिंग लेबल्ड बंडल एंड चूज दी करेक्ट, लेबल बंडल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ए स्टेशन बंडल इज ए लेबल्ड बंडल, बिल्कुल सही बात है। ए सॉर्टिंग बंडल इज ए लेबल बंडल, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। एन्यूमरेशन रिटर्न्स ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स आर डन, डाक लेखों की गणना विवरणी की जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ईयरली, तो ये एक साल में दो बार ये की जाती है, और जो हमारे पास लाइव मेल सर्वे होता है ये मंथली होता है।
सुकन्या समृद्धि योजना हैज इंटरेस्ट रेट, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.6 चल रहा है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब फॉरन पोस्ट ऑफिस एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, उप विदेशी डाकघरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। ए सब फॉरन पोस्ट ऑफिस क्लोजेज बैग्स डायरेक्टली फॉर अदर कंट्रीज, बिल्कुल गलत बात है कि ये दूसरे देशों के लिए सीधे थैले बंद करता है। इट डज नॉट रिसीव बैग्स अटैच्ड टू इट डायरेक्टली फ्रॉम फॉरन कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है, ना ही ये वहां से प्राप्त होने वाले बैगों को सीधे प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ फर्स्ट एंड सॉरी यहाँ पे सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट तो दिया हुआ है कि सीधे थैले बंद करता है जो कि बिल्कुल गलत है, सेकंड बोला है कि हमारे पास जो भी दूसरे देशों से थैले प्राप्त होते हैं उनको सीधे प्राप्त नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स आर ओनली सरफेस ट्रांसपोर्टेड, प्रथम श्रेणी की जो डाक होती है उसको केवल सतह पर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स आर एयर लिफ्टेड, बोथ आर करेक्ट, नाइदर ए नोर बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स आर एयर लिफ्टेड, तो जितनी प्रथम श्रेणी की डाक होती है इनको एयरलिफ्ट किया जाता है विदाउट एनी चार्जेस। ए ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट कंसिस्ट ऑफ, एक दे मेल की और छंटाई सूची में क्या शामिल होता है, तो हमारे पास इसमें क्या शामिल होता है, ड्यू मेल लिस्ट ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्पैचेस, लेटर मेल सॉर्टिंग रजिस्टर्ड एंड पार्सल मेल सॉर्टिंग लिस्ट, ये सभी चीजें इसमें होती है, ऑल ऑफ दी अब यहाँ पे सही हो जाएगा। दी अकाउंट ऑफिस ऑफ ए ब्रांच ऑफिस, तो एक ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन हो सकता है, सब ऑफिस भी हो सकता है, हेड ऑफिस हो सकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ हेड ऑफिस, तो सब ऑफिस हो जाएगा। मशीन फैक्ट आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेज आर ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स, जो भी मशीन में अनपेड अगर कोई आर्टिकल डाल दिया जाता है तो उसको क्या माना जाता है, अनपेड आर्टिकल माना जाता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जो हमारे पास कैन नॉट बी ओपन फॉर डाकघर, सब जो सावधिक जमा खाता होता है के लिए नहीं खोला जा सकता है, तो इसको एक साल के लिए खोल सकते हैं, दो साल के लिए खोल सकते हैं, तीन साल के लिए और पाँच साल के लिए खोल सकते हैं, यहाँ पे चार साल के लिए नहीं खोल सकते हैं। स्पेशल बैग कंटेन्स, एक विशेष बैग में क्या होता है हमारे पास, कैश ओनली, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑल अबव नन ऑफ द अबव, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के उच्च अधिकारी होते हैं उनके लिए जो पत्राचार होता है इसमें स्पेशल बैग में होता है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रजिस्ट्रेशन इज ऑब्लीगेटरी ऑन एनी वैल्यूएबल आर्टिकल, रजिस्ट्रेशन इज ऑब्लीगेटरी ऑन एनी आर्टिकल बियरिंग दी वर्ड रजिस्ट्रेशन, तो निम्न कथनों पर विचार करें, यहाँ पे क्या बोला गया है हमें कि जो रजिस्ट्रेशन होती है अगर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल है उसके लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है, दूसरा अगर किसी आर्टिकल के ऊपर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करना, उसकी भी रजिस्ट्रेशन करना क्या है, अनिवार्य है। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटल टोकन्स कैन बी कैरिड बाय, तो जो धातु के टोकन होते हैं किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, तो जो भी आरएमएस ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन बिच एक्सचेंजेस मेल विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज, एक डाकघर या छंटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में कार्यालयों के साथ मेल का आदान प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। मैक्सिमम वेट ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट ईएमएस एक्सप्रेस मेल सर्विस बोलते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का अधिकतम भार कितना हो सकता है, 35 किलोग्राम से हो सकता है। ए कैश बैग इज यूज टू रिमिटांस ऑफ कैश बिटवीन, तो नकदी के प्रेषण के लिए कैश बैग का उपयोग किस कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं मेल ऑफिस पोस्ट ऑफिस बोथ एंड बी, तो ये पोस्ट ऑफिस में किया जाता है कैश बैग का यूज। पोस्टल डिविजन आर अंडर द चार्ज ऑफ डाक विभाग, किसके प्रभार में होते हैं, किसके अंडर आते हैं हमारे पास, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, बोथ दी अबव आएगा, यहाँ पे दोनों के ही अंडर ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की जो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगी ये हो जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाई, तो जो हमारे पास काम के वितरण का विज्ञापन होता है, ज्ञापन होता है किसके द्वारा दिया जाता है, सुपरिंटेंडेंट के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब ऑफिस विच हैज सरप्लस फंड्स मे डिस्पोज इट बाई, एक उप कार्यालय जिसके पास अधिशेष निधि है अब इसका निपटान कैसे करेगा, यानी कि अगर किसी के पास उसकी लिमिट से ज्यादा उसके पास कैश है तो वो कैसे उसको करेगा, रिमिटांस टू ट्रेजरी ऑफ बैंक, तो बैंक के खजाने में प्रेषण करके, रिमिटांस टू अनदर सब ऑफिस, रिमिटांस टू हेड ऑफिस, तो इनमें से कोई भी तरीका करके वो अपने जो बैलेंस है उसका उसको क्या कर सकता है, उसका निपटान कर सकता है। डेली रिपोर्ट बिच इज
हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सबमिट टू द सुपरिटेंडेंट थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिस। तो जो दैनिक रिपोर्ट होती है जो हमारे पास हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा क्या की जाती है, सुपरिटेंडेंट को सबमिट की जाती है, वो कौन से फोरम पे बनती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा MS-83 पे ये बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल लाइफ एश्योरेंस और सुरक्षा हैज मिनिमम एंड मैक्सिमम एजेस एट एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 44 की जो हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास ए 19 to 55। जो संपूर्ण जीवन बीमा या सुरक्षा है उसमें प्रवेश के समय न्यूनतम या अधिकतम आयु होती है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो जो हमारे पास ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं उनके बारे में हमें सही बताना है। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन सिटीज वेयर क्वांटम ऑफ मेल इज हैवी। तो ये उन सिटीज में स्थापित किए गए हैं जहाँ पे मेल जो है भारी मात्रा में उसका आदान प्रदान होता है या छंटाई करनी पड़ती है। इट सोर्स ओनली पार्सल्स अबव 5 kg। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही है, ठीक है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन। एम्प्टी बैग्स रिमेनिंग ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड। जो पिछली यात्राओं से बच जाते हैं बैग उनको कहां भेजा जाना चाहिए, उनको डिस्ट्रिक्ट बैग में डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस जो होता है वहां पे भेजा जाना चाहिए। तो यहां पे ए ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैश एंड स्टैम्प्स इन अ पोस्ट ऑफिस लाइज विद। तो डाकघर में नकद और टिकटों की जिम्मेदारी किसके साथ रहती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोस्ट मास्टर होता है उसके साथ ही रहती है, उसको इसकी संभाल करनी पड़ती है। पोस्टमैन्स बुक इन फॉर्म, पोस्टमैन की जो किताब होती है उस कौन से फॉर्म पे बनती है, तो MS-27 पे बनती है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। अवॉइड मनी ऑर्डर, इस एक शून्य मनी ऑर्डर कौन सा होता है। If payment can not be affected to the pay, यदि भुगतान प्राप्तकर्ता को प्रभावी नहीं किया जा सकता है। Amount can not be repaid to the remitter, प्रेषक को राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा both the, अब यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएंगी। The minimum and maximum cash balances of a sub office is fixed by, एक उप कार्यालय या न्यूनतम और अधिकतम जो नकद होता है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये हमारे पास हेड ऑफ डिविजन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारे पास भरतनाट्यम, तो आगे हमारे पास जीके आ जाता है। आप अगर खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमसे MCQ फॉर्मेट भी ले सकते हैं, इसमें आपको मैथमेटिक्स भी साथ में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।